सब्सक्राइब कीजिए सनीज मिशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सैमसंग कंपनी की तरफ से जो A8 आने वाला था उसका तो बहुत सारे आप रूमर्स सुने होंगे, ये सैमसंग A8 जो निकलेगा उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, उसमें ऐसा सेंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो सैमसंग है S8 और S8 प्लस लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको दिखाने जाऊंगा कि S8 और S8 प्लस में आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको जो है इस वीडियो में सारा स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा और आप लोग का जो है कंफ्यूजन दूर करूंगा। आप लोग सोच रहे हैं कि सैमसंग 8 प्लस में क्या से क्या मिलेगा, तो जो है आपका यहाँ पर सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी, आपका सनी मिशन बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। दोस्तों यहाँ सैमसंग की तरफ से दो फोन जो है यहाँ लॉन्च हो गया है, ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, और इसका जो स्पेक्स है ये बता दिया गया है, सैमसंग S8 और सैमसंग S8 प्लस। अब ये काफ़ी दिन से जो रूमर्स चल रहा था इसका कि सैमसंग S8 में ये होगा, सैमसंग 8 प्लस में ऐसा फीचर आएगा, वैसा आएगा, ऐसा स्पेक्स आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो है आज इस वीडियो में फाइनली बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली आपको जो सैमसंग S8 अगर आप खरीदेंगे या S8 प्लस खरीदेंगे तो उसमें एक्चुअली आपको मिलेगा क्या। तो यहाँ पे जो है मैं पहले आपको सैमसंग S8 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो है सैमसंग 8 प्लस के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ का जो है स्पेक्स का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे जो है पहले आपको सैमसंग S8 का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। अब अगर बात की जाए इसका डिस्प्ले के बारे में, तो S8 में आपको जो है 5.8 इंच का जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका जो रेजोल्यूशन है 1440x2960 का आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। और अगर PPI की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 571 का जो है पिक्सल पर इंच का जो है आपको यह PPI मिल जाता है। अब ये जो है कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है सामने में। अब प्रोसेसर की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन 835 का जो है आपको यहाँ प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ये जो है ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है, क्लॉक होता है 2.35 GHz पे, 4GB का रैम मिलता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है यहाँ पे आपको। और कैमरे की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको मिल जाता है 12 MP कैमरा, जिसका एपर्चर 1.7 है, और उसी के साथ जो है आपको बहुत सारे फीचर मिलता है, जैसे ऑटो फोकस यहाँ पर आपको मिल जाता है, OIS का जो है टेक्नोलॉजी आपको यहाँ मिल जाता है, और साथ में एक नया टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बिक्सबी सपोर्ट। अब बिक्सबी सपोर्ट क्या है ये आपको मैं जो है वो कुछ देर बाद बताऊँगा। तो बिक्सबी सपोर्ट होता क्या है, अब यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं तो 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसका एपर्चर 1.7 है, 3000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाता है। सेंसर की बात किया जाए तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, साथ में जो है सारा सेंसर तो आपको मिलता ही है, साथ में जो है दो नया सेंसर यहाँ पे जोड़ा गया है। पहला जो है इरिस स्कैनर आपको मिलता है, इरिस सेंसर आपको मिलता है, और दूसरा जो सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है हार्ट रेट सेंसर जो है, ये दो सेंसर जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है जोड़ा गया है। एंड्रॉयड नोगट के साथ ये आता है, और यहाँ पे जो है वाटर IP68 का जो है आपको प्रोटेक्शन मिलता है, इसका मतलब फोन जो है वाटर प्रूफ है, IP68 जो है सर्टिफाइड ये आपको फोन मिलता है। अब अगर बात किया जाए S8 प्लस के बारे में, तो सब चीज़ जो है वो सेम है, जितना स्पेसिफिकेशन में आपको S8 के बारे में बताया वो सब चीज़ जो है सेम है, सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ है। डिस्प्ले में जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है 6.2 इंच जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है S8 प्लस में। इस डिस्प्ले का साइज जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, मगर यहाँ पिक्सल डेंसिटी थोड़ा कम गया है, आपको 500 का पिक्सल डेंसिटी मिलता है, बाकी रेजोल्यूशन जो है वही है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, रेजोल्यूशन 1440x2960 का रेजोल्यूशन है। अब बैटरी है, यहाँ पे बैटरी भी चेंज हुआ है, आपको S8 प्लस में अब मिलेगा 3500 mAh का बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, और यहाँ पे जो है 500 mAh जो है यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट भी बढ़ा है। S8 में भी जो था बैटरी आपका 3000 mAh का, उसमें भी फास्ट चार्जिंग था और वायरलेस चार्जिंग था। प्रोसेसर डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपको दो टाइप का प्रोसेसर दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपको इंडिया में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर ना मिले, सैमसंग का अपना बना हुआ प्रोसेसर मिले, एक्सिनॉस 8895 का प्रोसेसर, जो कि इसका खुद का बेस प्रोसेसर है। तो ये अभी फाइनली बताया नहीं गया है कि कौन सा जगह में कौन सा प्रोसेसर एक्चुअली ये दो प्रोसेसर के साथ जो है लॉन्च कर रहे हैं, मीन्स कि किसी में आपका स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट के साथ है और किसी में एक्सिनॉस 8895 इन्होंने दे रखा है। तो ये जो है दोनों जो है अब कौन सा फ़ोन कहाँ जाएगा ये अभी बताया नहीं गया है। तो कहीं कोई जगह में जाएगा स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर, जहाँ पर वहाँ मिलेगा जो S8 मिलेगा उसके साथ आपको स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और कहीं दूसरे जगह खरीदिएगा तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा शायद एक्सिनॉस 8895 का प्रोसेसर। तो ये अभी बताया नहीं गया कौन सा जगह में कहाँ कौन प्रोसेसर जाएगा, तो हो सकता है इंडिया में एक्सिनॉस आपको देखने को मिले या हो सकता है आपको स्नैपड्रैगन भी देखने को मिले दोनों। अब अगर प्राइस की बात कर लिया जाए तो जो आपको बता देते हैं S8 है ये लगभग इंडिया में आते आते हो जाएगा आपका लगभग 60,000 रुपया, और जो S8 प्लस है ये लगभग हो जाएगा 66,000 रुपया। तो ये जो है लगभग जो प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस है।
ये जो है आपको फोन अवेलेबल होगा 21 अप्रैल 2017 के बाद से। अब बात कर लेते हैं उसका जो फीचर मैं आपको बता रहा था, बिक्सबी सपोर्ट। ये जो यहाँ पे एक नया फीचर दिया गया है कैमरा में, बिक्सबी सपोर्ट सैमसंग के इस 8 में ही दिया गया है सैमसंग की तरफ से। तो एक तरह का ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये आपका है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है बिक्सबी सपोर्ट कैसे काम करेगा, तो बिक्सबी सपोर्ट का क्या काम करेगा, क्या यूज़ होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल हो, और जैसे कि आपके पास कोई भी मोबाइल है, अब मोबाइल में जैसे कि अभी ये स्लीप मोड में है, आप अगर चाहें तो इसे जैसे भी करके आप जो है कुछ भी कमांड डाल के, जैसे कि ये काम करता है गूगल वॉइस की तरह, मगर गूगल वॉइस से कई गुना ज़्यादा ये आपका एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपका ब्राइटनेस अगर आपको 50% रखना हो, तो आप अपने मोबाइल को बोलिए कि सेट ब्राइटनेस टू 50%, तो ये ऑटोमेटिक 50% हो जाएगा स्लीप मोड में। अब स्लीप मोड में अगर आप किसी को कॉल लगाना चाहते हो, जैसे कि आप किसी को कॉल लगाना चाहते हो, जैसे कॉल रवि, आप जैसे बोल रहे हो कॉल रवि, तो ये जो है मोबाइल स्लीप मोड्स में ही डायरेक्ट जाके कॉल रवि को कॉल लगा देगा। अब जैसे कि आपको कोई गाना सुनना है या कुछ भी करना है, तो आप खाली इसको बोल दीजिए, ये जो है सारा आपका कंट्रोल जो है वॉइस से करेगा। आपको जैसे टीवी देखना है, आपको एसी ऑन करना है, तो ये भी चीज़ जो है यहाँ से आप S8 से अपना जो है एक्सेस कर सकते हैं। और सिर्फ आपका फ़ोन रखा हुआ है टेबल में, आप सिर्फ उसे बोलिए, कमांड दीजिए, ये जो है आपका S8 सारा काम करेगा। तो ये जो है गूगल वॉइस की तरह ही काम करता है, मगर ये इससे ज़्यादा कई ज़्यादा पावरफुल है गूगल वॉइस से। तो ये सब जो है नया फीचर दिया गया है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या सब जो है ये सब फीचर कैसे काम करता है, और 21 अप्रैल का इंतज़ार है मेरा। तो दोस्तों फिलहाल यही था हमारा वीडियो में S8 और S8 प्लस के बारे में, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक दबा दीजिए, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का जो वीडियो आप बनाते रहता हूँ और आप लोग तक है जितना इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचाते रहता हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। तो मैं फिर मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।